जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। पहाड़ों के नीचे महिलाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट हजारीबाग में शायद ये पहली बार हुआ है। आइए देखते हैं, टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। आज से 3 जून है, चंदवार गांव है, मरेठा पहाड़ है, उसके नीचे ये महिलाएं हैं, फुटबॉल खेलने आई हैं। कहाँ से आप आई हैं? चंदवार से। आप भी वहीं से? यस सर। कैसा प्रैक्टिस चल रहा है? अच्छा। जीतेंगी? हाँ हाँ चलिए देखिए, चंदवार से आई हैं आप, कहाँ से आई हैं? चंदवार से। फुटबॉल खेलती है? हाँ। कितना बजे प्रैक्टिस करती है? 3 से 6। सुबह? नहीं, शाम। शाम में? हाँ। कैसा प्रैक्टिस है? बहुत अच्छा। अच्छा, टूर्नामेंट जीतना है? उम्मीद है। चलिए उम्मीद है, तो देखिए सब लोग अपना आई कार्ड लेके रखी हुई, सबका आई कार्ड बनाया गया है फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए। बहुत छोटी बच्ची हो, खेलती हो? यस। कि खड़ा कर दिया गया है? नहीं, खेलते हैं। कहाँ से खेलती हो, जगह बताओ? मेल से, बीट से। बीट से। क्या नाम है? मुस्कान परवीन। तो देखिए टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है और यहाँ पे हजारीबाग की महापौर हैं। मैडम, महिलाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट शायद गांव में हजारीबाग में पहली बार हो रहा है और आप भी यहाँ उद्घाटन करने के लिए आई है, क्या जोश दे रहे हैं महिलाओं को? देखिए, ये चंदवार में आप चाहूंगी कि इससे पहले भी एक मैच हुई थी, ये हमारी बच्चियाँ जो है यहाँ मैच हुई थी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पहले जहाँ लोग शर्माते थे कहने में, मुंह छुपाकर बोलते थे कि बेटी हुई है, आज वो गर्व से कहते हैं कि हाँ मुझे बेटी हुई है। और आप यहाँ पर देख करके गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारी बच्चियाँ मैदान में खेल रही हैं और नाम भी रोशन कर रही हैं। अभी आप लोग रोशनी, आपका भी तो नाम। बिल्कुल। अभी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कुछ दिनों पहले, देखिए बचपन में मैंने कोशिश किया था लेकिन थोड़ा सा दौड़ नहीं पाती थी मैं ज्यादा, इसीलिए मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन शौक था मुझे भी खेलने का। उम्मीद है कि आपके बच्चे जाएंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरा जो सपना था ये बच्चियां पूरा करेंगी और मैं इनका सपना, जो अपना पूरा सपना होता है, इन बच्चियों में देखूंगी। आप इंट्रोडक्शन करें। हाँ। सर, आप काफी दिनों से फुटबॉल से जुड़े हुए हैं और लड़कों के बीच में ट्रेनिंग देते आए हैं, कोच बने हुए हैं, बहुत रेफरी भी पैदा किए यहाँ से, फुटबॉलर भी पैदा किए, अब महिलाओं के अंदर ये जो नई ऊर्जा है ये क्या? देखिए, जैसे अभी रोशनी तिर्की ने बताया, पहले कुछ दिन पहले इसी ग्राउंड में एक एनजीओ के द्वारा एक मैच आयोजित किया गया था जो 2 दिन का था। उस समय जब मैं हम यहाँ आए तो लगा कि हम लोग अगर कुछ अपना संघ हजारीबाग जिला फुटबॉल संघ की तरफ से अगर मेहनत करें तो टीम तैयार हो सकता है। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं लगातार इधर 40-45 दिन से लगातार इस ग्राउंड में वहाँ से इतना दूर आता हूँ और बच्चों को थोड़ा मोड़ा सिखा रहा था। थोड़ा सा इन लोगों को ये किए कि हम लोग हजारीबाग जिला फुटबॉल लीग मैच करा रहे हैं, आप लोग भी लीग में रजिस्ट्रेशन कराइए, रे कराइए। आज उसी का फल है कि आज 9 टीम ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है और आज उसका पहला मैच है। अरे, पहली बार हजारीबाग महिला फुटबॉल लीग मैच हो रहा है। तो हम आप और भी लोगों से बात करेंगे, पहले दिखा दें कि कौन कौन महिलाएं कहाँ से आई है, आप लोग कोच हैं इससे पहले, रेफरी है, आप लोग इससे पहले लड़कों में कराते थे, झगड़ा उगड़ा बहुत होता था, यहाँ कैसे मैनेज करेंगे झगड़ा उगड़ा? ऐसा कोई बात नहीं सर, हम लोग शुरू से मैच खिलाते आए हैं और जिस तरह से हम लोग का जो डिसीजन है उसी पे हम लोग, फीफा का जो रूल है उसी के तहत हम लोग मैच को खिलाएंगे। और बताइए, आप खुद रेफरी हैं, कहीं फ्यूचर में ऐसा होगा कि लड़कियां फुटबॉल खेलने के बाद रेफरी भी बने? एकदम 100% जो अच्छी खिलाड़ी हैं और जिनका फिटनेस अच्छा है, जो इनके प्रति रुझान है, कहीं ना कहीं वो रेफरी के लाइन में आएंगी और अपना परचम लहराएंगी। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? चोरहटा से। तो कितना प्रैक्टिस करती है फुटबॉल के लिए? हर रोज प्रैक्टिस होता है, सुबह शाम। सुबह शाम प्रैक्टिस होता है। जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जीत की पूरी तैयारी है, ये महिलाएं जो हैं फुटबॉल खेल रही हैं। मेरे साथ है शरीफुल्ला गुड्डू, खुटरा से आप आए हैं और खुटरा में जो फुटबॉल का माहौल होता है वो भी जबरदस्त रहता है। जी। वो एक किनारे पे है, दूसरा गांव है, ये दूसरे किनारे पे है, दूसरा गांव है। आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ महिलाओं के साथ? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और इससे पहले भी यहाँ टूर्नामेंट हुआ था 6-7-8 महीने पहले और भव्य टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पे और अभी भी एक शानदार मैच होने का उम्मीद है और इसमें 9 टीमें यहाँ पर लीग बेसिस पर, एक टीम में 3 मैच खेलेगी यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लीग हिसाब से यहाँ पर मैच होगा और आज एक ही मैच है, बाकी कल से 2-2 मैच होंगे पर डे। बिल्कुल जी सर। तो मेरे साथ अभी डोली सर हैं। डोली सर, आप बहुत पुराने फुटबॉलर हैं, बहुत नामी भी है, नाम भी है आपका, लेकिन अभी आप पुलिस में चलेंगे तोन भी निकल गया है, आप बताइए आज यहाँ पे क्यों आए हैं?
जो एक्चुअली आप शायद मालूम है तुमको, हजारीबाग को हम लोग ने एक नया पहचान दिया फुटबॉल के रेंज में। और जिस स्थिति से अभी हजारीबाग फुटबॉल गुजर रहा है कि हम लोग को छोड़ने के बाद काफी फुटबॉल नीचे गिर गया है, इसी प्रयास से हम लोग एक रिटायर फुटबॉल क्लब गठन करके और नई सीरीज एसोसिएशन मुरारी बे चला रहे हैं। तो हम लोग उद्देश्य है कि जहाँ पे फुटबॉल एकदम डेड है उसको नया बढ़ावा देना है। तो हम लोग जहाँ भी मौका मिल रहा है कि जो बच्चे में टैलेंट है या बच्चे अच्छा कर रहे हैं वहाँ जाकर उनको प्रोत्साहित करें और कुछ जो अपना एक्सपीरियंस उनको आज तक शेयर करें, यही मकसद है। और ये बच्चियाँ का जो है जरीबा के लिए नया चीज़ है। अभी हम लोग पुलिस में जाके बार बार जाके देख रहे हैं, खेल रहे हैं, खिला रहे हैं, तो वो रांची जोन में देखते लड़कियों में बहुत ज़्यादा टीम अच्छी है, वहाँ से जो लोग निकल करके ऊपर भी जा रहे हैं। लेकिन हजारीबाग में लड़कियों में थोड़ा थोड़ा कम है था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि लड़कियों में अच्छा इंटरेस्टेड फुटबॉल में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उन लोगों को जहाँ तक वो सहयोग करें और अपने उन लोगों को ऊपर जाने का हर तरह का प्रोत्साहित करेंगे उन लोगों को। तो देखिए किस तरह से पुराने फुटबॉलर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, नेतागण भी आए हुए हैं, आप भी सर बहुत दिन से लगे हुए हैं फुटबॉल में लीग कराने में, ये महिलाओं के लिए जो पहल है ये कैसा पहल है और कहाँ तक जाएगा, क्या क्वालिटी इम्प्रूव होगी? बहुत सुंदर पहल है और ये गांव-गांव तक पहुँचाने का, गांव से निकल के शहर तक जाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। और हम समझते हैं कि अगर इस तरह से प्रयास हम लोग जैसे कर रहे थे सभी गांव-गांव में करते रहे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हम लोग जरूर देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए अभी पहला मैच शुरू होने जा रहा है, यहाँ पे टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है, पहला मैच शुरू होने जा रहा है, आप भी यहाँ पे आए हैं, काफी दूर से आए हैं, पहले फुटबॉल खेलते थे? हाँ हाँ, हम लोग जैसे 1980 में हम लोग चालू किए खेलना फुटबॉल, लगभग 20 साल हम लोग इसे जुड़े रहे हैं। अच्छा। और इसके बाद अभी इधर में 3-4 साल से हजारीबाग का देख रहे थे कि फुटबॉल दबा हुआ है, तो इसके चलते हम लोग को बहुत इसके चलते माने ग्लानी महसूस हुआ, तो हम लोग ये चीज सोच करके मैदान में आए कि ताकि बच्चा लोग को उभार करके और फिर से फुटबॉल का वही स्थिति में हम लोग ला सके और बढ़िया उसको करके सपोर्ट करके आगे बढ़ा सके। अच्छा, आप स्टार प्लेयर हैं तो ये बताइए उस दौर में कैसा होता था फुटबॉल और अभी क्या चेंजेस आया? उस दौर में एक पोजीशन का चार चार प्लेयर रहता था। अच्छा। और हवी का जो स्थिति है एक पोजीशन का एक प्लेयर नहीं है, तो हम लोग सब मिल के इसको ऊपर करना चाह रहे हैं। जो हजारीबाग बहुत ही अच्छी टीम थी, कहीं भी जाता था अपना छाप छोड़ के आता था, आज जीरो हो गया था, अब कुछ कुछ उभरना स्टार्ट हुआ और आगे उभर जाएगा। तो यहाँ पे बहुत पुराने फुटबॉलर हैं और ट्रांसपोर्ट से भी आप खेले हैं, सर ये बताइए अभी तक आप जुड़े हुए हैं क्या कारण है, अब तो रिटायरमेंट का टाइम भी हो गया है। फुटबॉल में रिटायर नहीं होता आदमी, जब तक हौसला रखिएगा, मैदान में रहिएगा, प्रैक्टिस में रहिएगा, टच में रहिएगा, तो कुछ ना कुछ हासिल होते रहेगा। बिल्कुल। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, फुटबॉल में लोग रिटायर नहीं होता है और जब तक हौसला रहेगा लोग खेलते रहेंगे। सर आप बताइए, काफी दिनों से आपको लोग देख रहे हैं इस पोजीशन में, हम तो देख ही रहे हैं, जनता भी देख रही है, लेकिन आपका अनुभव बहुत कम मिला है हमें। आज हम चाहेंगे कि हजारीबाग की जनता के साथ साझा करें ये जो माहौल है आज का और पहले का। देखिए आज हम, मेरा पैर खराब हो गया इसलिए, नहीं तो इतनी बच्चियों को देख के हम अभी भी इनको कोचिंग कर सकते हैं कुछ जो टेक्निकल चीज है, क्योंकि मैं पटियाला से फुल कोर्स प्रशिक्षित फुटबॉल का एक प्रकार से डॉक्टर हूँ, समझा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इतनी लड़कियाँ ये संभल हुई है और मैं अपने अनुभव के आधार पर देश विदेश बराबर जाते रहता हूँ, मैच देखा हूँ और देखता हूँ, समझे ना, मैच खिलाने भी मैं गया हूँ नेपाल, बांग्लादेश और भारत के बड़ी बड़ी टीमों का हम मैच खिलाए हैं, पटना में, गुवाहाटी में, पूर्णिया में। तो इस आधार पर मैंने 1996 में देखा, पूर्णिया में मैं फाइनल मैच ऑल इंडिया का खिला रहा था बच्चों का, जिसमें एआर किदवई गवर्नर थे, चीफ गेस्ट मुन्ना मुस्ता के स्पोर्ट्स मिनिस्टर। मैंने देखा 50,000 केवल महिलाएं जमीन में बैठ के मैच रही देख रही थी। मैं मेन रेफरी था, हजारीबाग के कार्के श्रीवास्तव थे हमारे साथ, पटना के, समस्तीपुर के, बिहार आसाम का मैच हो रहा था, मेवालाल इंटरनेशनल कोच आए थे। लेकिन इतनी महिलाओं में जागरूकता है, शौक है, नेपाल भी गया हूँ मैं, विराट नगर, वीरगंज, तो वहाँ महिलाएं पहले से देखती हैं, लेकिन इंडिया में भी सब जगह ही होता है। 2011 का नेशनल
गेम जो हुआ था 34वीं, उसमें मैं झारखंड का सीनियर कोच था, सीनियर महिला टीम का। सर, तो यहाँ पे जो अभी शुरू हुआ महिलाओं का, ये कहाँ तक जा सकता है आगे? बहुत आगे चके, हमारी लड़कियाँ फ्रांस तक गई है खेलने, स्विट्जरलैंड गई है, और आगे भी जाएगी अभी की लड़कियाँ हमारे संघ के थ्रो। तो देखिए किस तरह से यहाँ की जो महिलाएं हैं वो विदेश तक भी गई हैं और आगे भी जाएंगी, ऐसा बोल रहे थे। सर आप बताइए, फुटबॉल से आप जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, क्या कारण है कि आज यहाँ आपको खींच लाए इस ग्राउंड पर? असल में हजारीबाग का जो फुटबॉल है ये दिनों दिन नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि इसका क्यों ना एक संगठन बनाया जाए जिससे इन लोगों का उत्थान हो और हजारीबाग में फुटबॉल को बढ़ावा मिले, इसीलिए हम लोगों ने इस तरह का आयोजन यहाँ किया है और आगे भी हम लोग इस तरह का आयोजन करते रहेंगे। तो इसमें अभी तो लड़कियों का हो रहा है, अभी बच्चों लोग का भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो वो 10 साल से 12 साल के बीच के बच्चों का। तो सर थोड़ा मैच दिखा लेते हैं जनता को, थोड़ा मैच शुरू हो गया है, देखिए किस तरह से महिलाएं पहाड़ के नीचे अब दौड़ना शुरू कर दी हैं। रेफरी सर, रेफरी के साथ है, हम लोग बात करेंगे और जानेंगे क्या उन्हें, भाई ये पहली बार लड़कियों के साथ आप करा रहे हैं कि पहले भी करा चुके हैं सर। थोड़ा डर होता है इनके साथ, ज्यादा झगड़ा करती हैं, क्या होता है? नहीं नहीं, ज्यादा झगड़ा नहीं, लड़कों ऐसा नहीं करती हैं। तुरंत मान जाती हैं, अगर फॉल हुआ तो फॉल। यह थोड़ा अभी दिक्कत होता है क्या कि फिसल को नहीं समझ पाती है ना, तो थोड़ा करती हैं कि लेट होता है थोड़ा। अच्छा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। तो देखिए पूरे रेफरी के साथ, नेट के साथ यहाँ पे फुटबॉल चल रहा है। कौन कौन टीम के बीच में हो रहा है अभी मैच दोनों? ये सर चंदवार की लड़कियाँ और मरहेता की लड़कियाँ, चोरहेता, चोरहेता, मतलब दो टीमें हैं। हाँ आया, तो देखिए फुटबॉल ग्राउंड में हम लोग आ गए हैं गोल पोस्ट की तरफ, आपको एक राउंड दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है और जो माहौल हो जाता है, हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो भर जाता है। देखिए गोल की तरफ, और एक गोल, पहला गोल जो है वो मार दिया है, शायद चोरहेटा ने एक गोल मारा है और गोल की तरफ चला गया है। आइए यहाँ गोलकीपर जो है उनसे बात करेंगे। तो गोलकीपर जी आप बताइए, आप कितना बजे प्रैक्टिस करती हैं इस फुटबॉल के लिए? हम लोग 4 से 6 बजे तक करते हैं प्रैक्टिस। और रोज का प्रैक्टिस करते जी सर? स्कूल जाती हैं आप? नहीं सर, स्कूल छूट गया है। स्कूल छूट गया जी? क्यों छूटा सर? कुछ मजबूरी था इसलिए, कुछ मतलब कि कुछ हो नहीं पाया ना, कुछ जरूरी, तो वही हम लोग नहीं जा पाए। अच्छा, तो अभी फुटबॉल में ही करियर बनाना है जी, आगे जाना है, खेलना है, इंडिया खेलना है? हम लोग जितना दूर तक जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे जी सर। लगे हुए हैं इसमें जी। चलिए, घर वाले रेडी हैं जी? चलिए, तो देखिए कुछ महिलाएं हैं यहाँ जो लोग फुटबॉल छोड़ चुकी हैं, पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, लेकिन फुटबॉल गेम में लगी हुई है। देखिए किस तरह से पहली बार ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, 7-8 टीम यहाँ पे आई है, एक साथ एक टूर्नामेंट चलेगा, आज से इसका आगाज हो गया है और हजारीबाग में इस तरह का टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। सारे पुराने फुटबॉलर्स आए हैं और जो क्राउड है आप देख सकते हैं किस तरह का पूरा क्राउड है। धीरे धीरे शाम जैसे होगा पूरा मरहेठा, चोरहेठा और आसपास के जितने लोग हैं वो सब आ जाएंगे। यहाँ काफ़ी टीमें जो बैठी हुई हैं और यहाँ पर फुटबॉल अभी चालू है, तो आपको अपडेट देते रहेंगे हम लोग किस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है, कैसा हो रहा है। यहाँ कुछ ऑडियंस भी हैं, उनसे ही बात करेंगे, यहाँ के लोग हैं जो जानेंगे क्या है ये मरहेठा, ये ग्राउंड जो है इसमें ऐसा फुटबॉल हमेशा होते रहता है या पहली बार होता है। आप शायद यहीं के हैं, यहाँ के बारे में बताइए, ये जो ग्राउंड है इसमें फुटबॉल किस तरह से होता है? फुटबॉल तो हमेशा होते रहते हैं, जैसे कि बच्चों के बड़ों के टूर्नामेंट होते रहते हैं, मिनिमम एक साल में 3-4 जैसा होते रहते हैं। जैसे कि अभी तो क्या बोलते हैं, जिला स्तर से कुछ हो रहा है लड़कियों का मैच, बस उसी बीच में 2 साल ग्राउंड शायद खराब हो गया था तो बन रहे थे, जैसे कि एक तरफ ज्यादा ऊंची हो गई थी, उसके चलते जैसे कि ग्राउंड को। आप फुटबॉल खेलते हैं कि नहीं? खेलते हैं। कौन टीम से खेलते हैं? जैसे कि यहाँ हम लोग तो हजारीबाग जैसे हुड़ू से। हाँ, अच्छा, और यहाँ आते रहते हैं खेलने के लिए? आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ का जो पूरा क्राउड है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब फुटबॉल का आनंद ले रहे हैं। फुटबॉल उसी तरीका से हो रहा है और गांव-गांव में जहां भी फुटबॉल होता है वहां भीड़ लग जाता है, जनता आ जाती है पूरा। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा दिखाएं, थोड़ा गेम का भी आनंद ले और किस तरह से गेम चल रहा। देखिए गोल की तरफ बॉल आ रहा है, अभी धीरे धीरे इनको जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो फिर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।
तो यही है महिलाओं का जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, नया सवेरा कोई एनजीओ है जिसने शुरू किया है, जिसके साथ हजारीबाग का फुटबॉल संघ बड़े बड़े